यामिनी जी के साथ काम किया। यामिनी जी के बारे में बस यही कहूँगा कि बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं। काम करके उनके साथ बहुत मज़ा आता है, बहुत ही मतलब आज की जनरेशन में जितनी अभी हमारी एक्ट्रेस हैं सब अच्छी हैं, लेकिन यामिनी जी भी उसमें बहुत अच्छी हैं और बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं, काम को लेके एकदम से वो रहते हैं। लॉकडाउन के बाद कितने फिल्में अभी तक आपने शूट किया? लॉकडाउन में मैंने लगभग 4 फिल्में किया, जिसमें भगवान जी हाजिर हो, उसके बाद एक फिल्म मैंने किया सब मोह माया है, मेरी होम प्रोडक्शन थी। दूसरी मेरी होम प्रोडक्शन थी अभी घूंघट में घोटाला 2, और सेम डायरेक्टर मंजू भाई के साथ ही मैंने एक फिल्म अभी किया जैसी करनी वैसी बनी, उसकी शूटिंग ही खत्म करके मैं कल आया। आज इस फिल्म का एक गाना बाकी था, इसको हम लोगों ने किया। हर फिल्म में दिनेश जी होते थे, क्या इस फिल्म में नजर आएंगे दिनेश जी? नहीं, इस फिल्म में भैया शायद नहीं है, गेस्ट अपीयरेंस की शायद स्पेशल अपीयरेंस की बात चल रही है, कोई गाना है अब शूट तो नहीं हुआ। कहा जाता है अगर प्रवेश लाल यादव होंगे तो दिनेश लाल यादव जरूर होंगे। ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप देखिए तो शुरू से मैंने कम से कम 20-22-25 फिल्में किया है। जो मैंने उनके साथ किया है वो प्रॉपर पैरेलल किया है, दो हीरो का जो सब्जेक्ट रहा है वो मैंने किया है। हाँ, मेरी जो पहली फिल्म थी शुरुआती एक दो फिल्मों में उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस किया है। हाल ही में मेरी एक फिल्म जो घूंघट में घोटाला 2 आएगी उसमें उनका स्पेशल अपीयरेंस है, और लोगों को निश्चित तौर पर बहुत मजा आएगा। उनका वो उस तरह का किरदार उन्होंने शायद अभी तक फिल्मों में किया नहीं है जो घूंघट में घोटाला 2 उन्होंने किया है, एक स्पेशल अपीयरेंस। 2020 खत्म होने वाला है, 21 आने वाला है, क्या कुछ तैयारियां हैं? बहुत ही अच्छी तैयारियां हैं, क्योंकि 2020 में लॉकडाउन की वजह से कुछ खास हम लोग कर नहीं पाए, पूरी इंडस्ट्री लगभग 6 महीने घर में बैठी रही, और सब लोगों को घर है, सब लोगों को काम चाहिए, सब लोगों को पैसा चाहिए, सब लोग को एक दूसरे से मिलना जुलना है, तो सब लोग ही, मैं ही नहीं पूरी इंडस्ट्री आगे बहुत ही एनर्जी से आएगी, और मुझे विश्वास है कि 2021 पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ा वरदान साबित होगा। इस सिनेमा के जो DOP हैं, डी कुछ कहना चाहेंगे? DK जी मेरे फेवरेट हैं, बहुत ही अच्छे सिनेमाटोग्राफर हैं, बहुत ही कमाल के। इसके पहले उन्होंने मेरे साथ बंसी में काम किया था, अभी उसका ट्रेलर आया है, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, और कमाल के फोटोग्राफर हैं वो, और इसमें भी वो सिनेमाटोग्राफी कर रहे हैं, बड़े अच्छे। BIPL को लेकर क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? BIPL को लेकर देखिए प्लानिंग तो अभी कुछ खास नहीं चल रही है, क्योंकि चूँकि लॉकडाउन था इसमें काफ़ी कहने का मतलब यह है कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी क्या BIPL होगा नेक्स्ट ईयर? बिल्कुल होगा BIPL, अब जिस लेवल पे हो, लेकिन होना तो हर साल तय है। तो अभी मैं आया हूँ तो अब प्लानिंग करूँगा, क्योंकि 5 या मार्च में मुझे लगता है कि मार्च उसमें BIPL 6 होगा। प्रवेश लाल जी, आप अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि मैंने इन दिनों जो भी फिल्में किया है एक अच्छी फिल्म किया है, अच्छा समझ के किया है मेरे हिसाब से, और कोई भी फिल्म, आप भोजपुरी में कहा जाता है कि अच्छी फिल्में नहीं बनती हैं, मैं कहता हूं कि अच्छी फिल्में बनती हैं, लेकिन उसको आप लोग अगर देखेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे, एक अच्छी फिल्म जब सफल होगी तो ही दूसरी अच्छी फिल्म बनेगी। कभी कभी हम लोग बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं लेकिन उसे नकार दिया जाता है, देखा नहीं जाता है, फिर आगे अच्छी फिल्म बनाने वाला आदमी डर जाता है। तो एक मतलब लकीर के फकीर ना हो, ये ना हो कि भोजपुरी में यही चलता है, भोजपुरी में ऐसा नहीं है, भोजपुरी हो, हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कहीं भी अच्छी फिल्में चलती है और अच्छी फिल्में ही चलनी चाहिए। उसी तरह से हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में भी, मेरी नहीं किसी की भी अगर अच्छी फिल्म आती है तो उसे आप लोग देखिए, उसे प्रोत्साहित कीजिए ताकि दूसरी अच्छी फिल्म बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।